मंत्र पाठ मेरे साथ करेंगे। ईश्वर की व्यवस्था में जब वह शरीर को आत्मा छोड़ करके गई है तब देहांत देहावसान दिवंगत
मृत्यु, मर गया, कई शब्द प्रचलित हैं इस अवस्थाओं को बताने के लिए। देह का अवसान हो गया, देहावसान, देह का अंत हो गया तो देहा, मर गया, दो शब्द इसमें आए, मरा और गया, दो शक्तियां अलग अलग हो गई, शरीर मरा और आत्मा गई, क्योंकि मर गया, मर गई, जाने वाली कोई शक्ति अलग है और मरने वाली अलग है, तो जाने वाली और मरने वाली दोनों अलग अलग हो गई, बिछुड़ गई, दूरी बन गई, तो कहा मर गया। मरण धर्म शरीर, ये शरीर का धर्म ही मरना है, तो यही पैदा हुआ है, यही बना है, आत्मा तो मरता नहीं है, इसलिए वो गया है, कहा मर गया, तो जो गया है वो मरा नहीं और जो मरा वो गया नहीं, उसको अग्नि को देख करके हमने पंचभूतों में विलीन कर दिया, यही शरीर की सच्चाई है। आत्मा जो प्रभु की व्यवस्था में गया है, उसको और दूसरे शब्दों पर देखते हैं तो कहा चल बसा, चल बसा, ये शब्द कह रहे चला बसा, यहां से चला और दूसरी जगह बस गया, ये प्रभु की व्यवस्था में है। लेकिन आत्मा प्रभु की व्यवस्था में अपने गुण कर्म स्वभावों को लेकर के जो उस आत्मा ने इस मानव के तन में कर्म किए थे, जिन कर्मों का भोग नहीं भोगा, वो गए सत मूले तद विपाक जात्यायुर्भोग, सती मूले तद विपाक, वो विपाक कर्म कहलाते हैं जो नहीं भोगे। मैंने जिन कर्मों का फल भोग लिया, बहुत सारी चीजें पाकर के सुखी हो लिया, बहुत सारे कष्ट पाकर के दुखी हो लिया, तो जिन कर्मों को मैंने भोग लिया वो तो खत्म हो गए, लेकिन जो भोगे नहीं गए लेकिन किए मैंने, वो हो गए विपाक। वो जो कर्म है उन कर्मों की व्यवस्था के आधार पर अगले जन्म की व्यवस्था बनती है, वो कहा विपाक कर्म। तो दर्शन कर गए सती मूले तद विपाक जात्यायुर्भोग, जो विपाक कर्म है इन कर्मों के आधार पर ही जाति आयु और भोग अगले जन्म में निर्धारित होते हैं। क्या क्या? जाति आयु और भोग। जाति आयु और भोग, तो जाति किसका नाम है? दुर्गा जाति ही आख्या फिर लिंगाख्य। जाति किसका नाम है? जो आकृति से देख करके जानी जाए, हमने जो जातियां मनुष्यों में बना रखी, जाति नहीं, ये तो मानव जाति है। पशु जातियों में गाय की अलग जाति, भैंस की, बकरी की, ऊंट की, गधे, घोड़े आदि ये जातियां हैं। और आत्मा अपने विपाक कर्मों के आधार पर कौन सी में जाति में जाएगा? मानव जाति में जाएगा, गाय की जाति में, घोड़े की में, बकरी की में, बैल, गधे, घोड़े आदि बहुत सारी जातियां हैं। पशु पक्षियों में, जलचरों में, नभचरों में और धरती पर रहने वाले, आकाश में चलने वाले, किस योनि में जाएगा, किस जाति को प्राप्त करेगा, तो जाति के आधार पर आयु भी निश्चित है। जैसे मानव जाति में जाएगा तो लगभग 100 वर्ष की आयु निश्चित है, ऐसे ही गाय भैंस आदि की योनि में जाएगा तो लगभग 25 वर्ष आयु निश्चित है, कुत्ते आदि की जाति में जाएगा तो लगभग 12 वर्ष आयु निश्चित है। ऐसे ही सब भी अपने अपने जातियां जो है, उन जातियों की आयु भी निश्चित है। तो विपाक कर्म, मेरे द्वारा इस जन्म में किए जा रहे कर्मों, जिन कर्मों का मुझे भोग नहीं मिला या जिनको मैंने नहीं भोगा, उन कर्मों के आधार पर अगले जन्म में मुझे जाति मिलेगी, आयु मिलेगी और फिर भोग भी निश्चित है। जैसे मांसाहारी योनि में गया तो मांसाहारी भोग हो गए, गाय की जाति में गया तो वहां पर शाकाहारी भोग है। लेकिन मानव जाति में यदि मैंने जन्म प्राप्त किया, मानव योनि में यदि मैंने प्राप्त किया है जन्म, तो भोगों के साथ साथ मैं कर्म भी करने वाला बनूंगा। यदि मानव जाति में जाता हूं, मानव जाति भोग भी भोगती है और कर्म भी करती है। अब हमारे इस मनुष्य जाति को देखें तो मानव जाति में हमें तीन प्रकार के कर्मों की व्यवस्था से
निकलना होता है। या तीन प्रकार के कर्म हैं जिनको हमें भोगना होता है व्यवस्थाओं में। कैसे? मृत्यु मेरी तीन प्रकार के कारणों से बनती है। एक मृत्यु बन रही है मेरे प्रारब्ध, जिसको विपाक कर्म कहा था ना, वे मेरे आज जन्म का, मैं इसको भाग्य कह देता हूँ। भाग्य है ना, मेरा भाग्य ऐसा है, मेरा भाग्य वैसा है, इसका भाग्य बहुत बढ़िया है, इसका भाग्य खराब है। तो ये भाग्य क्या है? ये भाग्य प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध क्या है? ये पिछले जन्मों का कर्म का फल है, संग्रहित है, ये प्रारब्ध है, ये भाग्य है, ये नसीब कर लीजिए आप अपनी भाषा। हमें क्या होता है, इस मानव जाति में ये भाग्य का फल भी मिलता है, फिर मैं इस जन्म में वर्तमान में जो कर्म करता हूँ उसका फल भी मिलता है, फिर मैं पूरे जीवन भर में जो कर्म करता हूँ उसका फल भी मिलता है। तीन प्रकार के कर्म है, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। संचित कर्म मेरे इस जन्म में किए हैं बचपन से अब तक, जहां बैठा हुए बचपन से अब तक जैसे मैंने कर्म किए उसके हिसाब से मेरा शरीर तैयार हुआ है, मैंने विद्या प्राप्त की है, उस कर्म के हिसाब से मैं इस स्तर पर पहुंचा हूं, ध्यान देना, इसके आधार पर मुझे सुख और दुख मिल रहा है, ये मेरे संचित कर्मों का फल है। क्रियमाण कर्म, अभी मैंने किसी को अपशब्द कह दिया जब वो तुरंत बदले मिलता है, ऐसा ही ये क्रियमाण, जैसा करो तुरंत फल मिलता है। शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तुरंत इसका फल मिल रहा है, कर्म कर रहा है फल मिल रहा है, ये है क्रियमाण कर्म। तीनों प्रकार से मृत्यु संभव है। कई बार मृत्यु पिछले जन्म के आधार पर मिली जाएगी, निश्चित है, उसके आधार पर मृत्यु बनती है। कई बार मृत्यु मेरे इस जन्म के आधार पर, मैंने जो कर्म किए उसके आधार पर मृत्यु बनती है, और कई बार मेरे तत्काल के कर्म से भी मृत्यु बन जाती है। क्यों ऐसा होता है कि नहीं, हम देखते हैं ना ऐसा। ये तीनों प्रकार के कारणों से मृत्यु होती है। तो वह मृत्यु, वह देहांत, वह आत्मा दिवंगत होगी। दिवंगत, दिवं माने दिवंग, संस्कृत का शब्द है, दिवंगत शब्द है, तो दिवं माने दिन, दिवं माने दिन प्रकाश, और गत माने प्राप्त होना, यानी प्रकाश को प्राप्त हुई वह आत्मा, इस शरीर को छोड़ करके प्रकाश को प्राप्त हुई आत्मा दूसरी यात्रा पर भी आत्मा प्रभु की व्यवस्था में निश्चित ही सदगति और शांति को प्राप्त करेगी। और ये तब संभव है जब मैं परमात्मा की व्यवस्था में अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करके जीवन को जीऊं। यदि ऐसा कर रहा हूं तो आनंद है। आइए, भजन कवि ने लिखा, कवि सुंदर शब्द लिखता है कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो जीवन में देखना आनंद होगा। शब्दों को मिलकर के सभी गुण हो रही है, बैठेंगे तो आप एक घंटे तक यही सब लोग, और जब बैठेंगे तो इस शब्द का सदयोग करना है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, बोले जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही काल प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही काल प्यारे। तुम्हें छोड़ कर आस, तुम्हें छोड़ कर आस किसकी करूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे
वहीं मैं चलूंगे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ है मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ है मेरी सारी व्यवस्था। जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलो पहुंचते हैं।
ज्यादातर लोग 90 वर्ष के पहले ही जीवन की पूर्ण आहुति हो जाती है, अंत हो जाते हैं। 100 वर्ष में से 10 वर्ष तो कम हो गई। अब चिंतन करके देखें कि मैं कहां बैठा हूं, कितनी आयु में बैठा हूं, कितनी शेष है और क्या करने के लिए आया था, उसके लिए क्या किया है मैंने इस जीवन में। जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए मुझे परमात्मा ने ये मानव का तन दिया, मैं उसमें कहां तक पहुंचा। एक वेद मंत्र को देखते हैं। मंत्र कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मां विदः कस्य सुधनम्। वेद मंत्र में कहा, इदम सर्वम यत्किंच, यह सब जो कुछ जगत्याम जगत् जगत दिखाई दे रहा है, जो भी है वो सारा ध्यान देना बातों को, जो आ रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करके बैठ रहे हैं, आपका ध्यान मेरी तरफ जुड़ा रहेगा तो सुन पाएंगे। वेद मंत्र कह रहे हैं, यजुर्वेद के 40 अध्याय का पहला ही मंत्र है कि परमात्मा यत् किंच, जो कुछ इस संसार में, जो भी जगत्याम जगत धरती पर सूर्य चंद्र नक्षत्र इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, या जो कुछ है ईशावास्यम ईश्वर से ढका हुआ है, उस परमात्मा ने अपने से ढके हुए है, यानी सब के बाहर भीतर अंदर सब जगह है परमात्मा। वेद कह रहे हैं कि वह परमात्मा जैसे एक माँ के गर्भ में छोटे से बच्चे का निर्माण कर रहा होता है, ऐसे ही अपने गर्भ में परमात्मा ने इस सारे ब्रह्मांड को बना करके पालन पोषण किया हुआ है, कर रहा है। वेद मंत्र हिरण्य गर्भ समवर्त ताग्रे, जो यज्ञ करते हैं उनको मंत्र याद होगा, हिरण्य गर्भ समवर्त ताग्रे भूतस्य जाता पति एक आसीत। सारे ब्रह्मांड का एक ही पति है और हिरण्य गर्भ ये सारा का सारा उसी पति का गर्व है, ये सारा का सारा ब्रह्मांड उसी परमात्मा का है गर्व है और उसके गर्व में ही सब कुछ है। जैसे माँ के गर्व में माँ सारे काम करती है लेकिन बच्चा बड़ा सुरक्षित होकर के पलता पल्लवित पोषित हो रहा है माँ के गर्भ में, ऐसे ही हम सब इस ब्रह्मांड में इतनी तेज दौड़ लगाने वाली इस धरती पर बैठे, क्योंकि रॉकेट की तरह घूम रही है धरती अपनी दो चालों में, सूर्य भी अपने पूरी गैलेक्सी को लेकर के सारे ब्रह्मांड में सब के सब दौड़ लगा रहे हैं, कोई ग्रह उपग्रह खड़ा नहीं, सब दौड़ रहे हैं और ऐसे सुरक्षित हैं हम लोग जैसे माँ के गर्भ में बच्चा सुरक्षित होता है, क्योंकि 100 वर्ष तक इतना सुंदर घर बना करके आराम से रहते हैं, फिर भी इस परमात्मा के इस उपकार को भूल जाते हैं, इसलिए कई बार दुखी होते हैं। वेद क्या कह रहा है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सारा संसार परमात्मा ने अपने से ढका हुआ है, उसी परमात्मा ने आगे पढ़ो मंत्र में कहा, तेन त्यक्तेन भुंजिता, तेन माने उसी परमात्मा के द्वारा दिए गए पदार्थों का, त्यक्तेन त्याग पूर्वक भुंजिता भोग करूं, क्या कहा, उसी परमात्मा के द्वारा दिए गए पदार्थों का मैं त्याग पूर्वक भोग करूं। अब देखना, तेन माने उसी परमात्मा के द्वारा दिए गए पदार्थों का। अब चिंतन करना है कि यार मेरे पास मेरे जो पदार्थ हैं वो किसने दिए, या सगे संबंधी रिश्ते नातेदार है वो किसने दिए। एक बार चिंतन करके देखो, मेरा विवाह हुआ तो मेरी पत्नी जहां जैसी व्यवस्था से उसका जन्म हुआ, और वो मेरी पत्नी बनी तो वो प्रभु की व्यवस्था से, जब जोड़े बनते हैं तो प्रभु की व्यवस्था से बनते, तो प्रभु ने पत्नी को पति, पति के लिए पत्नी दिया, दोनों आपस में एक दूसरे से किसने दिए, प्रभु ने, और दोनों की व्यवस्था से एक संतान का जन्म हुआ तो किसने दिया, बोलो किसने दिया है, बोल दो किसने दिया है, ईश्वर ने दिया है, और जब ईश्वर ने दिया है तो ये सब किसके हैं, उसी के। अब मेरे पुरुषार्थ से, अब ये जो शरीर है ये भी तो शरीर परमात्मा ने दिया है, ये शरीर जिसको मैं मेरा कह रहा हूं ये किसने दिया है, ईश्वर ने दिया है, तो जब ईश्वर ने दिया है तो है किसका, इसने दिया है। अब इस शरीर के पुरुषार्थ से मैंने बहुत धन इकट्ठा किया, कल कारखाने गाड़ियां आदि इकट्ठी की है, ये इस शरीर के पुरुषार्थ से की है, तो ये किसकी है, ये सारी की सारी परमात्मा की ही है, मैं इसको अपना कह रहा हूं इसलिए दुखी होता हूं, क्यों,
कई बार मेरी चीज टूट जाती है, बिखर जाती है, बिछड़ जाती है, तो मैं रोता हूँ, दुखी होता हूँ, परेशान हूँ, व्यापार में थोड़ा घाटा हो जाता है, दुखी हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि कहता हूँ ये मेरा है, ये मेरा है, ये भी मेरा है। और जो वैरागी लोग होते हैं वो कैसे जीते हैं संसार में? कहा त्यक्ते न भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करते हैं, त्याग पूर्वक जीते हैं। और कैसे? तो ध्यान रखो, आपको यहां से यात्रा करनी है, आपने मुंबई की यात्रा के लिए सीट आरक्षित कराई ट्रेन में एसी कोच में, आपने यात्रा प्रारंभ की एसी कोच में, तो आप अपनी सीट पर पहुंच गए। वहां देखा आपने लेटने के लिए बहुत बढ़िया सीट है, वहां तकिया भी है, वहां चादर भी है, बेड सीट बिछी है, और वहां ओढ़ने के लिए कंबल भी है। क्यों जी? एसी कोच में सारी सुविधाएं हैं। आपको जब भोजन करना है तो भोजन करने के लिए आपके टेबल भी है, आपको शीशे में देखना है तो दर्पण भी लगा हुआ है, और भी सुविधाएं आपको उस सफर को सुगम, सुरक्षित, सफल और आनंद मंगलमय बनाने के लिए, यात्राएं सुगम करने के लिए वो रेलवे ने सुरक्षा दी, व्यवस्था दी है। और उस व्यवस्था का मैं यात्रा के दौरान सारा उपयोग करता हूँ, उपभोग करता हूँ। आप देखना, जैसे मैं मंजिल पर पहुंचता हूँ, अपने ठिकाने पर पहुंचता हूँ, वैसे ही मैं अपना सामान समेट करके, अभी तक मैंने रेलवे का बहुत सारा सामान यूज किया, ट्रेन में ध्यान देना, बहुत सारा सामान यूज किया, लेकिन मैं जब अपना लक्ष्य अपनी मंजिल पर पहुंच जाता हूँ, तब मैं अपने सामान को समेट करके सुख पूर्वक अपने घर पहुंच जाता हूँ, सुख पूर्वक अपने घर पहुंच जाता हूँ, फिर मुझे उस ट्रेन के सामान से मोह नहीं होता, दुखी नहीं होता। उस सामान को छोड़ते समय दुखी क्यों नहीं होता? 24 घंटे की यात्रा की, मोह नहीं हुआ, सारी सुविधाओं का उपभोग किया, मोह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पता है ये सामान मेरा किसका है? रेलवे का। ये सामान किसका है? रेलवे का। इसलिए मुझे मोह नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने सामान को उठा करके सुरक्षित अपने सुख पूर्वक घर के लिए गया। अब देखो इस संसार की यात्रा कर रहे हैं हम लोग 100 वर्ष की आयु मिली, और संसार की यात्रा में जितने भी साधन सुख सुविधाएं व्यवस्थाएं मिली है वो सब किसने दिए? बोलो ना, ईश्वर ने। तो ईश्वर ने दिए तो किसकी है? ईश्वर की है। अच्छा, जब ईश्वर की है तब मुझे परमात्मा ने मेरी इस यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए, सुखद सफल बनाने के लिए दी है ना ये सारी व्यवस्थाएं। और मैं क्या सोचता हूँ? ये मेरा। फिर दुखी होकर के जीवन को दुख मैं ही बिता देता हूँ, इस सफर का आनंद नहीं ले पाता। जब जब मैं ये सोचूंगा कि ये मेरा है, तब तब मैं दुखी होगा। इसलिए मुझे चाहिए कि संसार में अपनी यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए परमात्मा की व्यवस्था में अपने आप को समर्पित करके जीवन को जीव, तब होगा क्या? जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, और जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा। कहना बहुत आसान है, लेकिन जब यही काम करने की बात आती है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, इस पथ पर चल करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, इसी में आनंद है जी। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धा मां कृष्णा सचदेवा, जो अपने जीवन को यज्ञमय बना करके जी करके गई है, जो अपने जीवन में यज्ञमय, यज्ञ से जुड़ करके जीवन को जी करके गई है, निश्चित है प्रभु की व्यवस्था में मानव तन को तो प्राप्त कर ही जाएगी अगली योनि में, और अच्छे घर में मानव तन मिलेगा, अच्छे घर में मानव की योनि में जन्म मिलेगा, इतना तो विश्वास है, क्योंकि माँ का जीवन यज्ञमय था। हम यदि इस मानव के तन को पाकर भी अंत समय पर पड़ाव पर है, और उस समय मेरे मानव के तन में मेरे इस मनुष्य तन के द्वारा 50% पुण्य और 50% पाप रह गए, ध्यान रखना मानव की योनि नहीं मिलेगी, 51% पुण्य चाहिए उसके लिए, 49% पाप, तब मनुष्य की योनि मिल जाएगी, लेकिन सड़ियल मनुष्य के घर में पैदा हुए, जहां पर सुविधाएं नहीं होगी, जहां व्यवस्थाएं नहीं होगी, जहां कोई शराबी पाप मिलेगा, ऐसे घर में मिलेंगे जब 51% पुण्य और 49% पाप, और जब जब पुण्य का पलड़ा भारी होगा,
घुटने में दिक्कत हो तो कुर्सी पर बैठ जाओ। जब जब पुण्य का पलड़ा भारी होगा तब तब अच्छे अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जैसे जैसे पुण्य का पलड़ा भारी होगा 70% पुण्य 30% पाप अच्छे घर में जन्म होगा, 80% पुण्य 20% पाप और अच्छे घर में धन ऐश्वर्य व्यवस्थाओं वाला घर मिलेगा। और हो सकता है माता पिता आचार्य धार्मिक मिल जाएंगे और 90% हो गया तो पड़ोसी भी अच्छे मिल जाएंगे, सगे संबंधी अच्छे मिल जाएंगे। और जिस दिन 100% पुण्य ही पुण्य हो जाएगा उस दिन आत्मा को मोक्ष हो जाएगा, उस दिन आत्मा को मोक्ष हो जाएगा, वो आनंदमय होगा आत्मा। इसलिए इससे उल्टा करके देखो, यदि 51% पाप और 49% पुण्य रहेंगे फिर भोग योनियां हैं, फिर अन्य योनियां। बहुत सारे हमारे आजकल के ऐसे ऐसे मत मजहबी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मनुष्य का आत्मा तो मनुष्य में ही जाएगा चाहे कुछ भी करो, ऐसा नहीं। ये मनुष्य के द्वारा खोपड़ी से पैदा की सोच है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों जी? परमात्मा की व्यवस्था में ऐसा नहीं है। जितने भी अन्य योनियां हैं सारी भोग योनियां सब में वही आत्मा है जो मेरे अंदर है, ऐसी आत्मा है। इसलिए आत्माएं अपने भोगों के हिसाब से अन्य अन्य योनियों में जाएंगी। जब जब पुण्य का पलड़ा हल्का और पाप का भारी होगा वैसे वैसे नीच से नीच योनि है, क्यों जी? अधम से अधम योनियां हैं, उन योनियों में भोग भोगना और फिर मानव योनि में आने के लिए बहुत लंबे समय तक अन्य भोग योनियों में जीवन जीना ही पड़ेगा। इसलिए परमात्मा की व्यवस्था में मुझे श्रेष्ठ कर्म शुभ कर्म करते हुए ईश्वर की व्यवस्था को समझते हुए और मृत्यु को याद रखते हुए जीवन को जीना, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं लोग जानते नहीं और मृत्यु को जानते हैं लोग मानते नहीं। हम सब भगवान को तो मानते हैं लेकिन जानने का प्रयास नहीं करते वो क्या क्या कर रहे हैं, कितनी शक्ति है, कितने विशाल ब्रह्मांड को अपनी व्यवस्था से चला रहे। हम केवल केवल मानते हैं, बहुत मानते हैं, खूब मानते हैं, श्रद्धा से मानते हैं, पता नहीं किस किस में मानते मानते ही मानते हैं, बस जानने का प्रयत्न नहीं करते वो करता क्या है। मेरी दिन रात सांस को जो चलाए हुए गिन गिन करके प्रत्येक व्यक्ति की आंख के पलक झपकने का हिसाब जिसकी व्यवस्था में है वो परमात्मा बहुत शक्तिशाली है। वेद कहता है डरो वह बहुत बलवान है। कवि ने सुंदर भजन लिखा, आइए मिलकर के गुनगुनाते हैं। कवि के शब्द हैं और कवि आज के अवसर पर कह रहे हैं, काया एक पिंजरा है पंछी शैलानी का, जिंदगी और कुछ भी नहीं बुलबुला है ये पानी का। आइए आप सब मेरे साथ मिलकर गुनगुनाइए शब्द लिखे कवि ने।